नमस्कार दोस्तों, आज वेबटेक डिफरेंशिएशन का जो हमारा लेक्चर वन हुआ था, हम दे रहे हैं उसको लेक्चर टू। तो जो बेसिक मैंने पढ़ाया था वेबटेक डिफरेंशिएशन का, आज हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में बताया कि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। ये क्या है? वेक्टर फंक्शन। ठीक है, अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना है इसका, तो यूनिट वेक्टर होता है आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इस आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर के लिए वैल्यू रखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहाँ मैग्नीट्यूड जो इसका निकालेंगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जैसे जो मैंने वीडियो में बताया था कि हम जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो अंडर रूट के अंदर आता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो अगर हमें किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये सब फॉर्मूला रहेगा, हम उस वेक्टर को आर मान लेंगे और आर कैप इक्वल टू रहेगा, कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब हम एक प्रॉब्लम देते हैं, dA upon dt is equal to c cross A, dB upon dt is equal to c cross B, then prove that d upon dt A cross B is equal to C cross A cross B। तो दोस्तों, आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसको सॉल्व करना है। आप देखो, मतलब तीन वेक्टर है A B C, D A upon dt, D B upon dt, ये दो डायरेक्टर दिए हुए हैं और हमें इसको प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमने एल एच एस पार्ट लिया, हमने डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी लिया, हमें जो प्रूफ करना है उसका हमने एल एच एस पार्ट ले लिया, डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी। अब डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी को जो हम लेंगे, तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि दो वेक्टर जब क्रॉस होते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट वो लगेगा, बट हमारे जो टर्म होंगे वो एज इट इज रहेंगे। जैसे हम पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, डी ए अपॉन डी टी जो बी रहेगा क्रॉस करके आ जाएगा प्लस, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड को हमें एज इट इज रखा, अब फर्स्ट को हमें एज इट इज रखना पड़ेगा, सेकंड का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल का डिफरेंशियल प्रोडक्ट को लगा दिया, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को छोड़ दिया, सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को छोड़ दिया। अब यहां वैल्यू लगाएंगे तो dA / dt, तो dA / dt की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है यहां पे, c क्रॉस a, c क्रॉस a और बाहर आ रहा है हमारा b, dA / dt की वैल्यू हमने ब्रैकेट में रखा और क्रॉस करके दिया प्लस a वेक्टर, देखो dB upon dt, dB upon dt की वैल्यू हमने c क्रॉस b, इसको भी हम ब्रैकेट में रख देंगे c क्रॉस b। तो हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया और इसमें dB upon dt की वैल्यू और dB upon dt की वैल्यू जोड़ दी। पर दोस्तों, हमने बताया था कि इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो नियम ये कहता है कि a
cos c over ठीक है ना. तो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होगा, पहले a डॉट c जाएगा डॉट b जाएगा फिर माइनस a डॉट b डॉट c. ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये फॉर्मूला होगा ना. बट यहां पर ब्रैकेट से पहले बी को क्रॉस बी दिया है, ब्रैकेट से पहले होना चाहिए. अगर आप इसको अंदर लेके आओगे तो इसमें क्यूमुलेटिव कम्युटेटिव लॉ लग जाएगा, जिसके हिसाब से आगे क्या आ जाएगा, माइनस है ना. हमें पता हुआ है कि अगर ए क्रॉस बी है तो हम उसको माइनस से बी क्रॉस ए कर सकते हैं. ठीक है, a क्रॉस b को क्या कहते हैं, माइनस b क्रॉस a. तो a क्रॉस b को माइनस b क्रॉस a ले सकते हैं. यहां पर भी हमने ले लिया है, ये पूरा a है और ये b है, तो हमने b को आगे लिया है. अगर वेक्टर फंक्शन को आप चेंज करोगे तो आगे माइनस आ जाएगा, प्लस ये ऐसे चलते रहेगा. ठीक है, अब हम इसके लगा लेंगे अपना ये रूल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी. तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के हिसाब से इस माइनस को मिला देगा, पहले b का डॉट प्रोडक्ट होगा a से, तो b डॉट a डॉट c फिर माइनस b डॉट c डॉट a. तो b क्रॉस c क्रॉस a, मैंने पहले b को a के पास ले गया, b डॉट a और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा c माइनस, फिर b का डिस्ट्रीब्यूशन c के साथ होगा a बार. सेम प्रॉपर्टी हम यहां करेंगे. अब इसमें क्या होगा, इसमें ब्रैकेट लगा के नहीं है क्योंकि प्लस लगा हुआ है, तो a डॉट b, इसमें a डॉट b जाएगा, c बाहर चला जाएगा, फिर माइनस a डॉट b c बाहर हो गया, फिर a डॉट c भी बाहर चला जाएगा, a डॉट c भी बात है. ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक बार बता देता हूं. देखो a क्रॉस c क्रॉस b है, तो पहले a डॉट b और ये c बात है. ठीक, फिर माइनस फिर a डॉट c और b बात. अब इस माइनस को अंदर ले लेंगे, इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा ना, तो माइनस b डॉट a डॉट c माइनस प्लस हो जाएगा b डॉट c प्लस a डॉट b डॉट c माइनस a डॉट c डॉट b. a डॉट b डॉट c ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a cos a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a. ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, a डॉट b और b डॉट a दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो ये फंक्शन पूरा पूरा डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा. जो रिमेनिंग बचेगा वो आपको बचता है b डॉट c माइनस a डॉट c डॉट b. अब इसको हमें दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन में लगाना है. अब आप देखो ऐसे देखते हैं ऐसे कि जो बाहर वाले फंक्शन है वो ब्रैकेट के अंदर आ रही है और जो कॉमन है वो ब्रैकेट के अंदर वो बाहर आ रहा है. अब देखो इसमें बाहर कौन है, a और b, तो यहां पर a क्रॉस b ब्रैकेट के अंदर आते हैं, जो बाहर फंक्शन है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं, और जो दोनों टर्म में कॉमन फैक्टर है ब्रैकेट के अंदर कॉमन फैक्टर है वो आपका बाहर है. तो ये हमारा प्रूफ है. ठीक है,
इसमें क्या हुआ, एक सिंपल सिमेट्री बताइए आपको, आपको फॉर्मूला यार पहले इधर से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ये हो जाएगा, लेकिन इधर से इधर आने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो सिंपल सा तरीका है कि जो वेक्टर बाहर है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है और ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन है उसको बाहर लिखना है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई, ये आपकी। इसी टाइप से हमारा एक सेकेंड प्रॉब्लम ले रहे हैं, R cap cross dr cap, R vector cross dr vector about x। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है और इसको हमें खुद R cap मतलब ये यूनिट वेक्टर है, R cap मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, R के डायरेक्शन में। रूट क्या करना है, अब आप देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, R cap इधर क्या हुआ है, dr cap, मतलब हमें R cap निकालना है, dr cap निकालना है, उसके बाद हम क्रॉस। तो हमने पहले R cap, R cap इज इक्वल टू होता है R वेक्टर अपॉन R। हमने ऐसा क्या किया है, डिवाइड होल के हिसाब से नीचे वाले का क्या होता है, डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर होता है। ऊपर क्या होगा, पहले डिनोमिनेटर पार्ट को ऐसे ऐसे रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर कौन है यहां पे आर, फिर माइनस, अब आर वेक्टर को ऐसे ऐसे रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा आर, तो आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो हमारे पास ये dr, r cap is a unit vector, r cap जो unit vector है, इसलिए r cap की जो value है, वो r vector upon magnitude of r, magnitude of r को मैंने r लिख दिया, scalar form में लिख दिया। अब मैंने इस function को differentiate किया, तो ये divide root लगेगा, तो function divide root में क्या होता है, पहले denominator का square होता है, फिर ऊपर पहले denominator को adjust करके ऊपर वाले का डिफरेंशियल होगा माइनस, अब हम ऊपर वाले को तो डिनोमिनेटर को एडजस्ट रखेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल होगा। यहां किसी के रिस्पेक्ट में मेजर हो रहा है, इसलिए आर का डीआर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने आर का निकाल लिया, डीआर का निकाल लिया, अब दोनों को क्रॉस कर, अब हम यहां पे आर कैप क्रॉस डीआर कैप, आर कैप हमारी वैल्यू क्या है, आर कैप की r का वैल्यू है r वेक्टर अपॉन r क्रॉस, और ये हमारे पास ये है r dr वेक्टर माइनस r dr अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें ये स्केलर है, ये स्केलर है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर फंक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे, r की पावर 1 का r की पावर 2 से करेंगे तो r की पावर 3 होगी। आप देखो ये वेक्टर है और ये अंदर भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों टर्म में वेक्टर है, बीच में क्रॉस लगा हुआ है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा। यहां पर वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है क्रॉस होगा, तो जब इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे तो ये स्केलर अलग हो जाएगा
सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, आर वेक्टर क्रॉस डीएल, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, लेकिन ये चूंकि स्केलर है इस साइड में होता रहेगा, डायरेक्ट आर क्रॉस डीएल माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई सेकंड वाले टर्म से होगा, तो ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जो स्केलर है वो अपॉन आर क्रॉस आर इज इक्वल टू जीरो, सेम वेक्टर आर क्रॉस आर, दो सेम वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, अगर हम आर क्रॉस आर करेंगे तो हमेशा जीरो, जैसे आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो। अब यहां से हमारे पास जो बचेगा आर आर क्रॉस डीआर, यहां से अब ये दो वेक्टर है दोनों क्रॉस हो, ये स्केलर है, इससे ये भी स्केलर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा आर क्रॉस डीआर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा आर की पावर 2 बचेगा, ये हमारा प्रश्न, ये हमारा आर क्रॉस डीआर।